प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपके अंग्रेजी किताब में दिए गए यूनिट 6 वीर बुधु भगत पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम आर्टिकल्स ए और एन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं। उनमें से ए ई आई ओ यू, इनको हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स। और बाकी जो है 21 लेटर्स, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ए और एन, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। ए और एन क्या है, आर्टिकल। ए का मतलब क्या होता है, एक, और एन का मतलब भी क्या होता है, एक। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। आइए कैसे होता है इनका प्रयोग हम जानते हैं। सबसे पहले ए के बारे में, ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल जिनको हम लोग गिनती कर सकते हैं, नाउन संज्ञा। तो इसमें कहा जा रहा है ए का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जो एक हो और उसको हम गिनती कर सकते हैं। नीचे उदाहरण दिया हुआ है, अ कैट। पहले हमने आपको बताया है आ का प्रयोग कहां होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। सी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले हम ए लगा रहे हैं। और कैट जो है यह एक वचन में है। उसी प्रकार से डॉग, एक ही कुत्ता के बारे में बात हो रही है और डी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम उसके पहले ए लगा रहे हैं। आ बॉल, कितने गेंद है यहाँ पर, एक ही गेंद है, इसलिए एक गेंद को दर्शाने के लिए हम आ बॉल का प्रयोग कर रहे हैं, आ का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम एन और उसके प्रयोग के बारे में सीखेंगे। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस दैट स्टार्ट विद वॉवल साउंड्स। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स दिया गया है और यहां पर वॉवल साउंड्स। और वॉवल हमारे कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू। इन अक्षरों से जो शब्द शुरू होते हैं और अगर वो एक वचन में है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, एप्पल, यहां पर एस नहीं लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि यह क्या है, एक वचन में है, तो हम यहां पर एन का प्रयोग करेंगे, एन एप्पल। इसी प्रकार से एलिफेंट, एक ही एलिफेंट, एक ही हाथी के बारे में बात हो रही है, यहां पर एस नहीं लगा, एस लगा होता तो यह बहुवचन में हो जाता, लेकिन एस नहीं है तो एलिफेंट मतलब एक हाथी, एक हाथी को दर्शाने के लिए हम लोग एन एलिफेंट कह रहे हैं। और इसी प्रकार से यहां पर अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है तो उसको दर्शाने के लिए हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, एन अम्ब्रेला, एक छाता। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, एन और ए का प्रयोग। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको हम और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। नॉट यूज्ड मतलब ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं होता है, संक्षेप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो बात हम आगे बताएं उसी को दूसरे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एन एप्पल्स, आप बताइए
एप्पल्स है ये और इसके पहले हम एन लिखे हैं, क्या यह सही है या सही नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए एन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर एस को हटा दें तो यहाँ पर एन लगा सकते हैं। एन का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, एन का मतलब होता है एक, ठीक है? तो यह और यहाँ पर एप्पल जो है बहुवचन में है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसी प्रकार से बॉल्स, यहाँ पर बहुत सारे गेंदों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ए बॉल्स के पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है और ए ए का मतलब होता है एक, इसीलिए हम बॉल्स के पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आर्टिकल्स ए और एन और उनका प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए इस एक्सरसाइज द्वारा हम आर्टिकल ए और एन और उनका सही प्रयोग सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन वेयर नेसेसरी। जहां पर ए और एन नेसेसरी है वहां आप भरिए। पुट ए क्रॉस मार्क इफ नो आर्टिकल्स नीडेड। जहां आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है वहां पर हम क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है? तो पहला है हमारा डैश एरोप्लेन। ये एरोप्लेन शब्द कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ए है शुरू में, तो ये वावल साउंड से शुरू हो रहा है, जैसे कि हमने इसके पहले बतलाया था। तो नियम के अनुसार हम यहां पर क्या लिखेंगे? एन एरोप्लेन। और चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, यहां पर ऐसे नहीं है, मतलब ये सिंगुलर है। आगे है डैश बॉय। बी फाउल है, कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? आ बॉय। आगे है ईगल, ये भी सिंगुलर है और कौन से साउंड या ध्वनि से शुरू हो रहा है? ई, ईगल, वावल साउंड से, तो हम यहां पर लिखेंगे एन। ऑयल, यहां पर क्या है? वावल साउंड है, लेकिन इसमें और एक चीज हम लोग ध्यान देंगे। ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। क्या आप तेल को गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो यह अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। उसी प्रकार से नीचे है वाटर। क्या आपने पानी को कभी गिनती करने का प्रयास किया है? या क्या हम पानी को गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे हम? क्रॉस मार्क। चलिए नंबर छह, डैश एग। एग मतलब अंडा, वावल साउंड से शुरू हो रहा है और यह सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर एन लगाएंगे। ऑरेंज, ये वावल साउंड है, तो उसके पहले क्या आना चाहिए? एन, और चूंकि ये सिंगुलर है। डॉग, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं, कॉन्सोनेंट है और यह सिंगुलर है, तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। आइसक्रीम, ये वावल साउंड है, वावल है, इसलिए इसके पहले हम लोग आए। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास नहीं है, अम्ब्रेला है, एक वचन है और यह वावल साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहां पर एन लगाएंगे।
उम्मीद है बच्चों आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ए और एन से संबंधित और एक एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है। ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें चलिए ऊपर जो लिखा उसको पढ़ते हैं पहले। लेट्स कंबाइन एंड राइट। कंबाइन मतलब मिलाइए, अलग अलग कॉलम में शब्द दिए गए हैं उनको मिलाना है और उनसे वाक्य बनाना है। तो इस कॉलम में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इट, दिस, दैट, इसमें है इस, और इस कॉलम में है ए और एन, और इसमें बहुत सारे शब्द हैं लिखे हुए हैं जो कि नाउन है। तो इसका हमने यहाँ पर लिखा है, आइए एक एक करके हम लोग इन वाक्यों को पढ़ते हैं। इट इज एन आउल। आउल क्या होता है? उल्लू। यहाँ पर ओ है, ओ के पहले एन का प्रयोग हुआ है। दिस इज अ चेन। सी है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। इट इज अ बॉल। बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। इट इज एन आई। ई जो कि एक वावल साउंड है इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किया गया है। दैट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट हमने इसके पहले भी देखा, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सिंगुलर है। दैट इज अ बोट। नाउ डी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। इट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शब्द हम पहले भी देखे थे। This is an axe. Axe क्या होता है बच्चों? Axe का मतलब होता है कुल्हाड़ी। A का प्रयोग हुआ है जो कि एक vowel sound है, इसलिए यहाँ पर an का प्रयोग हुआ है। This is a horse. Horse घोड़ा। H consonant sound है, इसलिए यहाँ पर A का प्रयोग हुआ है। It is an ice cream. I जो है वावल साउंड है और यह सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने जो जो चर्चाएं की, जिन जिन विषयों पर हमने बातें की, चर्चाएं की, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।